अगली बार ये लोकसभा हारेंगे चिट्ठी लिख देंगे जी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बड़ा खराब है, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ला रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, चुनाव टाल दो, चुनाव टल जाएंगे। ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, नौटंकी कर रखी है इन्होंने। भारत जनतंत्र है, देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। कहते हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है, फिर भी डर गए तुम लोग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है, नहीं तो मान लो कुर्ते के नीचे 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ है ये। मैं बताता हूं जो लोग कह रहे हैं ना कि डर चुनाव के लिए, चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है, वो डरते हैं। तो 6 महीने बाद चुनाव होगा, क्यों डर है भाई, जनता ही करेगी। अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? मैं देता हूं बाद में क्यों किया इसका जवाब भी। अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो भाई। हम क्यों डरे, हमें डरने जैसे परिणाम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी 454 सीटों पर चुनाव लड़ी, अरे सॉरी, कांग्रेस पार्टी 575 सीटों पर चुनाव लड़ी, 475 सीटों पर जमानत जब्त। अब डरना किसको है भाई, डरना किसको है? देश माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। हमने 4 राज्यों में सरकार बनाई है और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर भी चुनाव आएगा हम निश्चित जीत कर आएंगे। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो जब 2 थे तब भी नहीं डरते थे, अब तो 302 है। और यहां से उस वक्त तंज कसे जाते थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा नेता का वरना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएंगे, मगर तंज कसे जाते थे हम 2, हमारे 2। उस पार्टी का आज विपक्ष के नेता का स्टेटस भी नहीं बचा। हम नहीं डरते, चुनाव से डरना क्या, हर जीत होती रहती है।